हरे कृष्ण भागवत के संदर्भ में आपका स्वागत करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादि पाशादेश तारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भागवत के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और 11वें स्कंद में हम हैं। ग्यारहवें स्कंद का 23वां अध्याय ग्यारहवें स्कंद का 23वां अध्याय श्रीमद् भागवतम। तो अब ये भागवतम का कंक्लूजन है, भागवतम अपने निष्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है और प्रभु जो हैं संसार से अपनी लीला को समेट के निकलने की तैयारी में हैं। और इस स्थिति में उद्धव जो हैं द्वारका के उद्धव, वो चाहते हैं कृष्ण से कुछ आखिरी उपदेश लेना और कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश देने के क्रम में एक उज्जैन के ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं। सुनिए, बहुत अच्छी कहानी। मन के समझने के लिए हु इज द परपेट्रेटर, बहुत बार ये सवाल उठता है कि किसी गलती किसकी है। सब लोग ये खोजते हैं गुनाहगार कौन है। जब कुछ भी होता है तो हम लोग ये खोजते हैं कि इसका रूट में कौन है, गुनाह कौन किया है। तो इसको एनालाइज करके फिर सांख्य योग में प्रवेश करेंगे। सांख्य योग तो एनालिसिस का है, तो ये एनालिसिस एक प्रकार का है, ये तर्क है। ये हमें तर्क लगाने वाले हैं कि परपेट्रेटर गुनहगार कौन है। और ये बहुत बड़ा सवाल है। कभी हम सोचते हैं कि मेरे इसके वजह से मेरे जीवन में दुख आ गया, मेरे कर्म के वजह से मेरे जीवन में दुख आ गया, काल खराब चल रहा है, टाइम खराब चल रहा है, लोग कहते हैं। तो जैसे हम कुछ कहते हैं तो क्या सच है वो, क्या वो सच है ऐसा कहना, क्या सत्य है कहना कि काल खराब चल रहा है। तो देखिए, कहानी उज्जैन की है, महाकाल। महाकाल भगवान भोले बाबा वहां विराजित हैं। तो एक ब्राह्मण रहता था उज्जैन में, बहुत धनी था, पैसे वाला व्यक्ति था। और क्या हुआ कि पैसे इतने थे लेकिन कंजूस उतना ही बड़ा था, कुछ भी चीज जो है कंजूसी से ही करना चाहता था, खर्चा करने का नामो निशान नहीं था उसका लाइफ। तो ब्राह्मण जो है अपनी पत्नी को बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भी पैसे नहीं देता था। अब जब हुआ कि यज्ञ करना है तो यज्ञ भी नहीं करता था, उसे क्या हो गए। और रुष्ट होके जो है देवताओं को रुष्ट होने से उसका धन जो है जाता रहा, कुछ जो धन था वो चोरी हो गया, दुकान में आग लग गई, कुछ तो धन था उसको सरकारी लोग कर के रूप में लेके गए, कुछ था पहले का कुछ बाकी था वो देके निकल गया, कुछ माल सड़ गया,
ऐसे करके उसका धन सारा एक 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 करके खत्म होता गया। आवाज आ रहा है लेक्चर का आवाज। तो जब ऐसा ऐसे ऐसे धन उसका अलग अलग जगह से चला गया, तब जो है उसने सोचा कि चलो अब चला गया तो क्या करें, घर छोड़ के निकला। घर छोड़ के निकला और धन निकलने से उसके मन में बड़ा वैराग्य आ गया और वैराग्य आने से सोचना चालू किया कि दुख मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्यों मैं दुखी हूँ, इस पर वो एनालिसिस करने लगा। और जब एनालिसिस किया तो बड़ा सुंदर चीज़ पाया। देखिए क्या पाया। उसने पाया कि ये जो मन है, ये मन ही आखिरी में सुख और दुख का कारण है। मन जो है, अगर आपने जीवन में आपने तपस्या किया है, तो तपस्या किया तो कैसे पता चलेगा कि आपने तपस्या किया है? अगर आपने जीवन में दान किया है, कैसे पता चलेगा आपने दान किया है? अगर आपने जीवन में तपस्या किया है, कैसे पता चलेगा कि आपने तपस्या किया है? अगर आपने जीवन में ब्रह्मचर्य किया है, कैसे पता चलेगा कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है? सबका एक टेस्ट होना चाहिए। अगर मैं सबका एक सिंगल टेस्ट दे दूं तो कितना अच्छा होगा, है ना? अगर आपने नियम पालन किया है, यम किया है, डूज डोंट्स आपने फॉलो किए, वेद का अध्ययन किया है आपने, वाह, कैसे पता चलेगा कि आपने वेद का अध्ययन किया है? कैसे, कोई तरीका जानिए। उससे अगर आपका मन एकाग्र हो गया, तो समझिए कि आपका ये सब कुछ सक्सेसफुल था। मन एकाग्र नहीं हुआ तो समझिए आपने जो भी किया पानी में गया, बह गया सब कुछ, कुछ फायदा नहीं मिला आपको उसको करने से, कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो मन को एकाग्र नहीं कर सका वो हार गया सब कुछ से। और मन अगर एकाग्र नहीं है तो मन होगा चंचल, चंचल मन, और चंचल मन का पहचान है कि आदमी होगा आलसी। राम नाम में आलस और भोजन में होशियार। बोलेंगे आलसी कैसे भाई, दुनिया के लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं, इनको आलसी कैसे कह रहे हैं? कई बार लोग भक्तों को आलसी कहते हैं, भक्त लोग आलसी हैं। तो एक बार एक नया नया लड़का, हम लोग कॉलेज में प्रचार करते थे, वो डिवोटी बन गया, रहने लगा भक्तों के साथ ही, हम ही लोग के साथ रहने लगा रूम में। और हमारा सीनियर था, उसको रूम नहीं था, तो हमने उसको एज ए पैरासाइट बोलते हैं उसको करके रख लिया था। वो तो अभी वैष्णव हैं, तो वो जब रख लिया उनको, तो डॉक्टर साहब जो थे वो हमारे मेरे सीनियर जो थे उनको हमने रूम में रखा था, हम लोग जूनियर थे, लेकिन उनको हमने डिवोटी बना दिया सब लोगों ने मिलके। तो वो लोग वो भी जप करने लगे, तो वो चले गए घर, संगम नेर के रहने वाले थे। तो जब वो घर चले गए तो उनके पिताजी जो थे वो देखे बेटा माला लेके आया है, राम राम जप रहा है, टीका लगाए हुए, सुबह 4 बजे उठने लगा है, बड़ा उनको खराब लगा। बोले ये भक्त लोग जो होते हैं ना बड़े आलसी होते हैं। उन्होंने देखा ना कि भक्त लोग दुनिया में कुछ करना नहीं चाहते, सब ठीक है, बुरा हो गया सब ठीक है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ये भी ठीक है, आया ठीक है, नहीं आया कूल रहो यार, लाइफ में इतना टेंशन मत लो, सब कृष्ण की कृपा से चलेगा, हो जाएगा, ऐसे ही सोचते हैं भक्त लोग। तो जब मुझे याद है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल के एक सीनियर ऑफिस सीनियर मैनेजर
हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रचार करने आए थे, तो प्रचार करते समय हमारे रूम में बैठ के कुछ एक इंसिडेंट्स बता रहे थे कि उस दिन उनको मतलब अगले दिन उनको 800,000 रुपये पेमेंट करने थे, सारे स्टाफ का सैलरी पेमेंट करना था। ये आज से करीब 20 साल पहले की बात है, 1998 की बात है, और 800,000 रुपये में उनके पूरे सारे स्टाफ की सैलरी थी और उनके पास अकाउंट में पैसा ही नहीं था, और जो ट्रस्टीज थे उनको उन्होंने टाइम पे बताया नहीं था। तो अब वो सोचे कि अब मैं क्या करूँगा, तो बड़े चिंता में थे। तो बेटी जो थी, छोटी थी, बेटी समझ गई कि पिताजी टेंशन में देख रहे। बोले, पिताजी आपको क्या हुआ है? बोले, नहीं बेटा तुम समझोगे नहीं। बोले, बताइए ना, बताइए ना। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि कल मुझे इतना पैसा चाहिए और मेरे पास है नहीं, मैंने बताया भी नहीं। छोटी लड़की थी। तो बेटी ने पापा को बोला, पिताजी आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप भगवान के ऊपर शरणागत क्यों नहीं हो जाते? भगवान ने तो सबको देख सहारा दिया है, आप भी भगवान को सहारा लेके जप क्यों नहीं करते? उनको लगा ही मेरे गुरु है, वो बैठ गए, माला लेकर उन्होंने जप करना चालू किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और जब हो गया जप करके, जब उठे, उनको फोन आया, एक ट्रस्टी का फोन आया, बोले 800,000 रुपया डोनेशन आया है, ठीक है, तो मैं ट्रांसफर करा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बोले, हो ठाकुर जी आपकी महिमा अपार है, अपार महिमा है आपकी। 800,000 रुपया तो था ही इनके पास, वो तो देने ही वाले थे, लेकिन ठाकुर जी ने उसको रोक के रखा था, जरा इसको थोड़ा शरणागत होके जब तो करने दो, फिर ही इसको 800,000 थोड़ी देंगे। जब उसने शरणागति का भाव स्वीकारा, पैसा तो आके पड़ा हुआ था, लेकिन फोन उसका हुआ जपा के बाद, क्योंकि परमात्मा सबके हृदय में बैठे। देखिए, तो आलसी जो है, शरण लेने में आलसी, मनुष्य जन्म का पर्पस समझने में आलसी, और मनुष्य जन्म से क्या फायदा उठा सकते हैं इसमें आलसी। जैसे कि अगर आपके पास एक मर्सिडीज है, आपने एकदम बढ़िया पूरा एकदम उसको ला के एकदम चमचमा के धो धा के रखा है, और आप उसको चलाते नहीं, चलाने का समय आप एक घर में पुरानी साइकिल है वो लेके निकलते, तो आपको क्या कहा जाएगा? और कहीं दूर जाना है तो बस में बैठ के जाते हैं, लोग बोलेंगे दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस पैदा हुआ है ना, सबसे बड़ा कंजूस यही है। तो वैसे ही मनुष्य शरीर जो है, इतना महंगा चीज जिसको मिला है, उसको उसके चीज में काम में ना लगाए, वो जंक खड़े हुए गाड़ी के जैसा हो जाता है, आलस हो जाता है, कंजूस के जैसा हो जाता है, और यही चंचल मन का पहचान है, आलस। तो अगर आलस है, मन चंचल है, मतलब आपका, और दूसरा पहचान है चंचल मन का, ये जो है ना, इसमें बुरी आदतें लग जाएंगी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इलिसिट सेक्स, ऐसा कुछ तो इसको बुरा आदत लगेगा, बैड हैबिट। बैड हैबिट लग जाएगा इसको, और ये चंचल मन का ही काम है बैड हैबिट कराना। तो मन एकाग्र है वही इंद्रिय जीत है, इसी को इंद्र जीत कहा जाएगा, इंद्रियों को जीता है, इंद्रियों को जीत चुका है ना, इंद्रियों को जीता हुआ व्यक्ति है। अब इसको कैसे आप आगे देखेंगे, अगर अगर कोई कहेगा कि मन मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, कोई और है कारण, तो अब इसको एनालाइज करते हैं। हरे कृष्ण, इसको अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कहेगा मन मेरे सुख का कारण नहीं है, कोई कहेगा मेरे सुख और दुख का कारण जो है वो मेरा शरीर है, बॉडी, शरीर से मेरा दुख और सुख आ रहा है। अगर कोई ये कहता है तो सुनिए, शरीर किसका बना है?
मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल रहा है, तो जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है वही मिट्टी का शरीर है, और जो कष्ट ले रहा है वही मिट्टी का शरीर है। मिट्टी मिट्टी को कष्ट पहुंचा रहा है, आप इसमें क्यों दुखी हो रहे हैं? अगर मिट्टी मिट्टी को मारे तो आप क्यों रो रहे हो उसमें? मिट्टी है, मिट्टी को मारेगा भाई, वो अपना चीज है, है ना। मिट्टी जब मारे मिट्टी को तो आपको क्यों होती है छुट्टी, है ना। आपको क्यों दुख हो रहा है? मिट्टी मिट्टी को मार रहा है। अगर आप सोचते हैं कि शरीर मेरे दुख का कारण है, शरीर अगर दुख का कारण होता तो शरीर के सारे अवयव मिट्टी के हैं, मिट्टी के अंदर जो खुराफात हो रहा है होए, आपको क्या तकलीफ है? मिट्टी मिट्टी में चल रहा है कुछ, उनके आपस का मामला है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप कुछ घुमा दिए, अब हम आपको ऐसे देखेंगे, आप कहेंगे कि देवता जो हैं वो हमारे दुख का कारण है। अगर देवताओं को दुख का कारण बोलिएगा तो इसका मतलब देवता तो सारे इंद्रियों के मालिक हैं, तो हमारे आंखों के जैसे एक निमि महाराज हैं, हाथ चलाने के लिए एक देवता इंचार्ज है, पैर का मूवमेंट के लिए एक देवता इंचार्ज है, पेट का मूवमेंट के लिए एक देवता इंचार्ज, सारे मूवमेंट्स के लिए एक एक देवता जो है शरीर के इंचार्ज है। तो देवता जो है वो सारे इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियों के स्वामी देवता सबके स्वामी। तो अब लेकिन बात यह कि देवता खाली मेरे ही इंद्रियों के स्वामी थोड़ी हैं, सबके इंद्रियों के स्वामी है, वो सबका मालिक एक है, है ना, सबका मालिक है। तो सभी के शरीरों के स्वामी हैं, सब समझ लो उसका एक अंग है, उस देवता का एक कंट्रोल यहां है और दूसरा कंट्रोल यहां है, उसके दो अंग, एक अंग और दो अंग ऐसे करके लड़ रहे हैं, आपको क्या दुख हो रहा है? यही अंग, एक अंग दूसरे अंग को मार रहा है, अंग और अंग लड़ रहे हैं। अगर आप कहेंगे देवताओं के कारण दुख है तो अंग और अंग की टक्कर हो रही है, उनके एक अंग से दूसरे अंग को टक्कर हो रहा है, उनका ही कंट्रोल इस अंग पे भी है, उनका ही कंट्रोल दूसरे के अंग पे भी है, है ना। पुलिस चोर को अगर पीट रहा है तो जो पुलिस पीटने वाला है उसका जो अंग है वो भी देवता के कंट्रोल में है, चोर जो है उसके अंग जो मार खा रहे हैं वो भी देवता के कंट्रोल में है, तो दोनों अंग देवताओं के कंट्रोल में है, तो आप क्यों रो रहे हैं? हरे कृष्ण। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं देवता कंट्रोल में नहीं है, आप अब दूसरा निकाल दें, आप कहें नहीं हमारा आत्मा ही हमारे दुख का कारण है, है ना। कोई कहे कि मेरा आत्मा ही मेरे दुख का कारण है, हम ही अपने दुख का कारण है, अगर आप ऐसा ही समझ लें तो आत्मा तो आप खुद ही हैं, तो आप खुद ही खुद के दुख का कारण क्यों बनेंगे? कोई थोड़ी चाहता है कि मैं दुख में जीऊं, ये तर्क की बात है, सादा तर्क है। आप अपने आप को ही दुख क्यों देंगे, और दुख दे रहे हैं तो फिर दुखी क्यों हो रहे हैं? अगर जीव दांत जीव को काट ले तो किसको मारेगा जाके, है ना। अगर दांत जीव को काटे, है ना, दांत जो है जीव को काट ले तो आप किसको दोष दीजिएगा? कभी दोष देते हैं किसी को, खाते समय कट जाता है ना, किसको दोष दीजिएगा? अरे अपना ही है, अपने से अपने कट गए, है ना। तो आत्मा जो है वो आप ही हैं। अगर कोई कहेगा, यही सेम लॉजिक लगाइए, अगर कोई कहेगा कि जो है असली दुख का कारण जो है आप हमारे जो हैं वो ग्रह है, ग्रहों के कारण हमको दुख हो रहा है, राहु और केतु का साया लग चुका है पूरे दुनिया के ऊपर, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लोग बोल रहे हैं कि अभी ये दशा चल रहा है, राहु की महादशा और केतु की महादशा में, शनि की महादशा में कैप्रिकॉन, और इसके अंदर जो है वृश्चिक राशि का प्रवेश हो रहा है, और इसके कारण जो है सबको दंश मार के लोगों को वर्ल्ड वार थ्री की तरफ सब लोग लेके जा रहे हैं, जरूर वर्ल्ड वार होगा। ग्रहों की दशा के कारण दुख हो रहा है, लोग कहते हैं ग्रह खराब चल रहे हैं आजकल, बड़े खराब खराब ग्रह चल रहे हैं। अगर ग्रह की दशा है तो ग्रह का प्रभाव कहाँ पे है? ग्रह का प्रभाव शरीर पे है,
है ना, ग्रह का प्रभाव शरीर पे आ रहा है, लेकिन आत्मा जो है वो शरीर से परे है, ये परे वस्तु है। आत्मा शरीर से परे है, ग्रह का प्रभाव शरीर पे है, आत्मा शरीर से परे है, तो फिर आप दुख क्यों हो रहे? जब परे वाला चीज है तो आप दुखी क्यों हो रहे? ग्रह से, ग्रह से आप तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर पे ग्रह का इफेक्ट है, आत्मा पे नहीं इफेक्ट हो रहा उसका, है ना। कोई कहेगा कि नहीं, ये जो है जीव का जो कर्म है वही उसके दुख का कारण है, कर्म। अच्छा, अगर कर्म दुख के कारण है, ये अगर पॉइंट आप लेके आते हैं कर्म वाला पॉइंट, तो ये थोड़ा समझने का चीज है। कर्म जो होता है उस, देखिए कर्म जो आप कर रहे हैं उसमें दो चीजें, देह और आत्मा, मतलब विकार वाला चीज जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जो बगड़ जाए। जैसे ये लिखने का जो चौक है, इसमें कुछ सालों के बाद ये जो समय से विकार हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। विकार मतलब जो चेंज होता है, डेल्टा केमिस्ट्री में, डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज हो रहा है ना, इंट्रोपी, इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में नहीं, इसको केमिस्ट्री में इंट्रोपी कहते हैं, इंट्रोपी, ये टी है, पी मत समझिएगा, चलिए समझ रहे तो मिटा देते हैं। विकार, विकार किस में होता है? जड़ चीज में, जो जड़ है उसमें विकार होगा, जैसे शरीर जड़ है विकार होगा, हवा जड़ चीज है विकार होगा, जो दिव्य है उसमें विकार नहीं होगा, बिना विकार वाला, निर्विकार। उसको कहते हैं चेतन, जड़ और चेतन। तो कर्म का जो एक्टिविटी है ये जड़ पे ही एक्ट कर रहा है कर्म, है ना, निर्विकार आत्मा पे कर्म काम नहीं कर रहा है, कर्म का प्रभाव आत्मा पे एकदम नहीं है। आत्मा पे काम नहीं कर रहा है कर्म, ये केवल काम कर रहा है जड़ शरीर पे, जिस पे विकार है, उसके आगे उसका प्रभाव खत्म। कोई कहेगा कि नहीं, सारे दुख का कारण जो है वो है काल। काल ही खराब चल रहा है, टाइम खराब है। क्या खराब है? टाइम खराब चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं। तो अगर किसी का टाइम खराब चल रहा है तो समझिए क्या होगा। काल जो है वो आत्मा के जैसा ही आत्मस्वरूप है, दोनों का स्वरूप एक ही है, आत्मस्वरूप है, एक जैसे स्वरूप है। जैसे बर्फ को बर्फ काटती है, बर्फ होता है ना, बर्फ को बर्फ गला नहीं सकती, बर्फ जाके बर्फ को गला पाएगा? नहीं, बर्फ को गलाने के लिए गर्मी चाहिए। आग से आग जलेगा क्या कभी? आग से आग जलेगा? अगर एक आग लीजिए और दूसरे आग को जल, उसको टच करिएगा तो उस आग को क्या लगेगा? ओहो गर्मी लग रहा है, ऐसा बोलेगा क्या आग? वो तो खुद ही आग है, उसको दूसरे आग से क्या फर्क पड़ेगा। तो वैसे ही आत्मा और काल दोनों भी एक जैसे चीज हैं, ये भी समय से, समय 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 जो है और आत्मा है, आत्मस्वरूप है, इसलिए समय भी कभी सनातन है, सनातन है, आत्मा भी सनातन है, कभी इसका नाश नहीं होता। इसलिए काल और आत्मा जो है एक ही स्वरूप हैं, इसलिए काल जो है आत्मा को दुख दे ही नहीं सकता। काल आत्मा को कैसे दुख दे सकता है, जब दोनों एक ही लेवल की, एक ही चीज़ है, एक ही क्वालिटी की चीज़ है, काल से आत्मा को दुख हो नहीं सकता। दुख जो है, हाँ, द्वंद्व जो है, ड्युअलिटी, वो एग्जिस्ट करता है अहंकार में। अहंकार जो है ये इंटरफेस के जैसा काम करता है,
इंटरफेस मतलब एक साइड से आत्मा है और एक साइड से शरीर है। शरीर और आत्मा के बीच में जो इंटरफेस है वो अहंकार है। यहाँ ये इंटरफेस है शरीर और आत्मा का, डुअल सिम। डुअल मतलब इधर से और उधर से। इधर से जैसे कि प्रोसेसर कैसा होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जाके सेव करता है अंदर जाके, प्रोसेसर के जैसा वो प्रोसेस करता है। मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का चीज़ है आत्मा, ये अहंकार। तो इस तरह से काल भी जो है इसके दुख का कारण नहीं है। तो दुख का कारण एक ही आया, ये जो अहंकार है ना, जिस अहंकार से वो कभी अपने आप को शरीर समझता है, और जब ये शरीर समझता है अहंकार के कारण, तो जैसे ही शरीर समझता है इसका जो कंट्रोल है ये मन ले लेता है, और जब मन इसका कंट्रोल ले लेता है शरीर का, तो ये मन आपके सुख और दुख का कारण बनता है। हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। मन ही सुख और दुख का कारण है, ये इस उज्जैन के ब्राह्मण ने कंक्लूजन निकाला इतना सरल करके, कि देवता भी नहीं है दुख का कारण, कर्म भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, काल भी नहीं है दुख का कारण। ये सब मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण जो है ये मन है, ये भौतिक मन है मेरे दुख का कारण। हरे कृष्णा, ये समझाते हैं। और समझाने के बाद एक श्लोक कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। हम चाहेंगे कि आप लोग उसको अगर दोहरा सकें अपनी अपनी जगह से तो दोहराइए। बोलिए, एताम स आस्थाय परात्मनिष्ठा परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहम् तरिष्यामि दुरंतपारं तमो मुकुंदांघ्रि निशेवैव। ये उज्जैन का ब्राह्मण प्रार्थना करता है कि ये संन्यास का मंत्र है, लेकिन ऐसे आपको शक्ति नहीं मिलेगी इसको पढ़ने से। वो संन्यास दीक्षा हो गया तो मिलेगी उसकी शक्ति। तो अगर कोई इस तरह से एनालाइज करना सीखे तो वैराग्य प्राप्त करके इस संसार से पार निकल सकता है। और ये कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसका फल स्तुति सुनिए इस एनालिसिस को सुनने का। एताम भिक्षुणा गीतम ब्रह्मनिष्ठाम समाहित धार्यन श्राव्यन श्रृणवन द्वंद्वैर निवाभिभूयते। जो भी इस भिक्षु के गीत को, उज्जैन का जो ब्राह्मण था जो बाद में कंगाल हो गया और इधर उधर घूमता रहा और लोगों की गाली सुना, बहुत ताने सुना, और अंत में वैराग्य आने से ये जो गीत गाया, उस गीत को जो सुनेगा, धारण करेगा और सुनाएगा, है ना, वो सुख दुख के द्वंद्व के वश में नहीं आएगा और उसके बीच में सिंह के समान दहाड़ेगा। जब सुख और दुख का द्वंद्व आएगा जीवन में, शेर के जैसा गरजेगा। अगर इस चीज़ को आप समझ गए कि सुख और दुख दोनों मन से आ रहे हैं, आपको बहुत सुख भी लग रहा हो तो आप समझ लीजिए कि आपके मन का खेल है, बस माइंड का गेम है। आप अभी भी माइंड को सुखी में भी आप दुखी कर सकते हैं। थोड़ा सा दुख के बारे में सोचने लगे दुख हो जाएगा, और दुखी व्यक्ति भी अपने मन को अगर ठीक कर ले तुरंत सुखी हो जाएगा। बस मन का गेम है सुख और दुख, इतना पावरफुल चीज़ है। तो यहाँ से अगला जो अध्याय है वो सांख्य योग चालू होता है। अभी तक ये एनालिसिस हमने सोचा कि ये तर्क जरूर जानना चाहिए। हरे कृष्ण, अगला जो हम सांख्य योग पढ़ाएंगे, सांख्य योग जो सिखा रहे हैं बड़ा सांख्य सांख्य योग में दो चीजें, प्रकृति और पुरुष।
पुरुष में दो प्रकार के पुरुष हैं, आत्मा है, एक भी एक पुरुष है इस संसार में, और परमात्मा है। आत्मा एक्चुअली प्रकृति है वास्तव में, लेकिन अभी भोग वृत्ति है इसलिए उसको पुरुष। एक बार किसी ने सवाल किया था कि गीता में हमेशा ये क्यों लिखा है कि पुरुष को ऐसे करना चाहिए, पुरुष को वैसे करना चाहिए, तो स्त्रियों को क्या करना चाहिए? स्त्रियों के लिए गीता है कि नहीं लिखा हुआ? तो आप स्त्री हों या आप पुरुष हों, आपके अंदर आत्मा वही है सेम, लेकिन उसके अंदर वो जो आत्मा है उसका स्वभाव है सेवा करना, तो एक्चुअली प्रकृति का स्वभाव हुआ। लेकिन आत्मा अभी भोग करना चाहता है, इसलिए भोग करने वाले व्यक्ति को पुरुष कहा गया। जो इंजॉय करना चाहता है वो पुरुष है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना, इसलिए वो पुरुष कहलाता है आत्मा। ऐसे है आत्मा आध्यात्मिक प्रकृति का चीज, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक प्रकृति के अंदर। तो प्रकृति का और पुरुष का जो अध्ययन है ये हम सांख्य योग में सीखते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि सृष्टि कैसे होती है। सृष्टि होती है क्रिया शक्ति, बहुत टेक्निकल है, आपके नोटबुक चालू रख लीजिए, पेन से लिख नोट कर लीजिए, दनादन नोट करिएगा, क्योंकि इसमें अब जो अगले 5 मिनट हैं बहुत ही टेक्निकल होने वाले हैं। पेन और पेपर हो ले लीजिए। क्रिया शक्ति प्रधान, सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान, महत्तत्व, महत्तत्व, ये दोनों जो हैं ये दोनों को मिलने से ये दोनों जुड़ जाएंगे, और मिलने से बनेगा अहंकार। ये जो अहंकार है, अहंकार विकार होगा, विकार मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को मिलके कुछ ट्रांसफॉर्म करके ये अहंकार बनेगा। अहंकार जो है ये बनेगा 3 तरह का, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 तरह का अहंकार बनेगा। सात्विक, राजसिक और तामसिक बनेगा, और तीनों जो अहंकार हैं वो 3 चीज बनाएंगे, सात्विक, राजसिक। सात्विक अहंकार जो है ये बनाएगा इंद्रियों के देवता, इंद्रियां और इंद्रियों के देवता, के देवता, इंद्रियों के देवता बनेंगे। राजसिक अहंकार से बनेगा इंद्रियां, सेंसेस, और तामसिक अहंकार से बनेगा 5 तत्व, पांच तत्व बनेंगे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, वो तामसिक अहंकार से बनेंगे। अब ये सारी चीजें मिल जाएंगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों अहंकार की सारी चीजें मिल के बनेंगी ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड बनेगा। और ब्रह्मांड के अंदर पानी भर जाएगा, और पानी के ऊपर भगवान विष्णु लेटेंगे, और लेटने के बाद उनके नाभि से कमल निकलेगा, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे, है ना, ब्रह्मा जी यहाँ प्रकट होंगे, और ब्रह्मा जी जो है फिर फर्दर क्रिएशन करेंगे और क्रिएट करेंगे। और अब देखिए ये हो गया क्रिएशन, प्रकृति का क्रिएशन हो गया। अब प्रकृति का वाइंड अप, एनिहिलेशन, उसको एनिहिलेट कैसे करते हैं?
हरे कृष्णा, ऐसे करते हो गया। एनिहिलेट, इसको हम प्रलय कैसे कर लेंगे? प्रलय, प्रकृति का प्रलय कैसे होगा? प्रलय, भोले बाबा, प्रलय, प्रलय होगा शरीर, शरीर जो है वो चला जाएगा, अन्न में मिल जाएगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अन्न जो है बीज में मिल जाएगा, बीज जो है मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब धरती में, और मिट्टी जो है गंध में चला जाएगा, गंध जो है तन मात्रा है मिट्टी का, और गंध जो है पानी में चला जाएगा, पानी जो है रस में चला जाएगा, रस जो है गंध तन मात्रा है, पानी का तन मात्रा है, रस जो है वो अग्नि में चला जाएगा, अग्नि जो है वो रूप में चला जाएगा, और रूप जो है वो वायु में चला जाएगा, वायु में चला जाएगा, वायु जो है स्पर्श में चला जाएगा, स्पर्श जो है वो आकाश में चला जाएगा, आकाश जो है वो शब्द में चला जाएगा, आवाज, शब्द, साउंड, दिख रहा है? आकाश जो है साउंड में चला जाएगा, शब्द में, शब्द जो है वो चला जाएगा तामस अहंकार में, शब्द चला जाएगा तामस अहंकार में, और तामस अहंकार जो है वो चला जाएगा महत्तत्व में, महत्तत्व, महत्तत्व में चला जाएगा। इंद्रियां जो है प्रलय ही चल रहा है, इंद्रियां जो हैं वो देवताओं में चली जाएंगी, इंद्रियां का जो सूक्ष्म रूप है हमारे मन में भी इंद्रियों का सूक्ष्म रूप होता है, श्रोत्रम, ग्राणम, चक्षुम, वो सब अंदर में सूक्ष्म रूप है, वो देवताओं में चली जाएंगी, और वो जो देवता हैं वो रजस अहंकार में चले जाएंगे, राजसिक अहंकार में, और रजस अहंकार जो है वो चला जाएगा मन में, और मन जो है वो सात्विक अहंकार से बना हुआ है, और ये मन जो है ये महातत्व चला जाएगा, और फाइनली जो महातत्व है ये चला जाएगा गुणों में, तीन गुणों में, और तीन गुण जो हैं वो चले जाएंगे अव्यक्त प्रकृति में, और अव्यक्त प्रकृति जो है अविनाशी काल में चली जाएगी, जिसका नाश नहीं होता, और काल जो है वो महापुरुष में चला जाएगा, महापुरुष जो है भगवान में आ जाएंगे, श्री भगवान कृष्ण में,
इस तरह से प्रलय होता है, और इतना जो सब कुछ करने वाला फाइनल जो है ये पुरुष और भगवान जो हैं, ये पुरुष के पार्ट हैं और बाकी सब के सब प्रकृति के पार्ट हैं। तो इसको समझना है सांख्य योग। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कहाँ है इंद्रियों? इंद्रियां देवताओं में जाएंगी, सात्विक मन में जा रहा है। सात्विक से इंद्रिय कहाँ रहे? इंद्रियां देवताओं में जा रही है, देवताओं रजस अहंकार में जा रहे हैं, और सत्वगुण जो है वो मन में जा रहा है, मन महातत्व में जा रहा है, एज इट इज फ्रॉम भागवतम। ठीक है, कोई प्रश्न है, शंका समाधान है तो हम करते रहेंगे। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इंद्रियां जो हाँ, हरे कृष्ण, ये प्रलय हो रहा है, वाइंड अप का प्रोसेस है, और वाइंड अप के प्रोसेस में इस तरह से वाइंड अप होके जब कंप्लीट होता है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, इस पूरे प्रोसेस में दो चीज हैं, प्रलय और क्रिएशन, सृष्टि और प्रलय। और इसके पीछे समझने के लिए सृष्टि प्रलय दोनों के दोनों आ गए, प्रकृति के पार्ट हो गए और पुरुष जो है इसको एक्टिवेटर हो गया। तो पुरुष और प्रकृति मिलकर ये सब चला रहे हैं, ये समझना सांख्य योग है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।